जम्मू कश्मीर के उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में हुए आतंकी हमले में अब जम्मू कश्मीर पुलिस को अहम जानकारी और अहम सुराग हाथ लगे हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि 28 अप्रैल को इस इलाके में कुछ आतंकी इंटरनेशनल बॉर्डर को सांबा सेक्टर से पार कर कठुआ के रास्ते होते हुए उधमपुर के इस बसंतगढ़ इलाके में पहुंचे थे, जिसकी जानकारी वहां के विलेज डिफेंस गार्ड को मिली। और जब उनको घेरने की कोशिश विलेज डिफेंस गार्ड ने की तो अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये आतंकियों ने फायरिंग की, जिसमें एक विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर की जो है वो मौत हो जाती है। और उसके बाद से ही लगातार 28 तारीख से इस इलाके के अंदर इन आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें स्पेशल फोर्सेस को भी इन्वॉल्व किया गया है। हेलीकॉप्टर्स भी पूरे इलाके में जो है वो निगरानी रखी जा रही है, लेकिन इन आतंकियों की कोई भी भनक अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर सुरक्षा बलों को नहीं लग पाई थी। इसीलिए अब पूरी जांच के दौरान जब ये मालूम चला कि कठुआ के मल्हार इलाके के रहने वाला एक जावेद नाम का व्यक्ति जो है जिसने इन आतंकियों की मदद की थी, उस व्यक्ति को जब पकड़ा जाता है, उससे पूछताछ होती है, तो ये मालूम चलता है कि उसने इन आतंकवादियों की मदद की थी। और उसी मदद के चलते ये आतंकी जो हैं कठुआ से होते हुए उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में पहुंचे थे। अब ये 6 आतंकी हैं जिनका स्केच जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी किया है, और माना ये जा रहा है कि ये 6 के 6 आतंकवादी जो हैं वो जैश ए मोहम्मद के हार्डकोर आतंकी हैं। और इस इलाके में जो उधमपुर का इलाका है, जो पिछले काफ़ी समय से टेररिज्म से पूरी तरीके से क्लीन हो चुका था, यानी कि आतंकवाद का खात्मा इस इलाके के अंदर हो चुका था, इस इलाके के अंदर अब नई सिरे से आतंकवादी गतिविधियों को शुरू करने की जो है उनकी साजिश है। और जिस तरीके से पीओके के अंदर जब हालात बिगड़ते हैं या पाकिस्तान में हालात बिगड़ते हैं, तो वहां से ध्यान भटकाने के लिए अक्सर पाकिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर जम्मू प्रांत के जो हिस्से हैं, यहाँ पर आतंकवादी घटनाओं को बढ़ाने की कोशिश करता है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि पिछले 2021 से लेकर अब तक पुंछ और राजौरी में करीबन 3 से 4 ऐसे ग्रुप हैं जिसमें 15 से 16 आतंकी वहां पर मौजूद हैं, जिसमें कुछ पाकिस्तानी एसएसजी के कमांडोज भी हैं मौजूद हैं, जो आतंकवादी के रूप में यहां पर इस समय शामिल हैं और यहां पर ऑपरेट कर रहे हैं। और पिछले 3 सालों में काफ़ी बड़ा नुकसान जो है उस इलाके के अंदर सुरक्षा बलों को पहुंचाया है। उसी माध्यम से अब ये जो रूट है जो कठुआ से होते हुए अब उधमपुर, बसंतगढ़ और फिर वहां से डोडा, किश्तवाड़ और अनंतनाग को जाकर ये रास्ता मिलता है, इस रूट पर भी आतंकवादी घटनाओं से बहुत ज़्यादा कमी जो है इस इलाके के अंदर आई थी। लगभग आतंकवाद इस इलाके से समाप्त हो चुका था, लेकिन अब दोबारा से यहाँ पर आतंक की नई पौध को पैदा करने के लिए और आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए ये आतंकी जो जैश मोहम्मद से ताल्लुकात रखते हैं और हार्डकोर आतंकी हैं वो इस इलाके में पहुंचे हैं। पुलिस ने इनका स्केच जारी करते हुए आम आवाम से अपील की है कि अगर इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो उनका नाम तो गुप्त रखा ही जाएगा, उनको इनाम के तौर पर 5 से 10 लाख रुपए तक भी जो है वो दिए जाएंगे, क्योंकि पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है कि जिस इलाके से आतंकवाद का समाप्त हो चुका था, खात्मा हो चुका था, उस इलाके में अगर दोबारा से आतंकवादी गतिविधियों की शुरुआत होती है तो निश्चित रूप में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए बन जाता है। क्योंकि जहां एक तरफ सुरक्षा बल लगातार कश्मीर घाटी के अंदर मौजूद आतंकियों के खात्मे की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अब अगर आतंकी जम्मू के प्रांत में भी इस तरीके से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप में ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो जम्मू कश्मीर और खासतौर पर पूरे देश के लिए बन जाता है। क्योंकि जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक ये आतंकी लोकसभा चुनाव के दौरान किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है और इसी साजिश के तहत ये लोग इंटरनेशनल बॉर्डर को पार कर इस इलाके के अंदर पहुंचे हैं, जिनकी तलाश जो है लगातार सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं उसके साथ साथ में आर्मी इस पूरे ऑपरेशन में लगी हुई है, स्पेशल फोर्सेस के जवान, पैरा कमांडोज को इन इलाके में उतारा गया, लेकिन वो टेरेन जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसीलिए इन आतंकवादियों तक पहुँचने में अभी दिक्कत आ रही है। लेकिन फिलहाल एक बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि इनके क्लू जो हैं, इनकी स्केचेस जो हैं वो अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी कर दी है और माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द जो आम जनता है उनकी मदद से इन आतंकवादियों तक पहुंचा जाएगा और इन आतंकवादी जो यहां पर एक बड़ी साजिश रचने की मंशा से यहां पर दाखिल हुए हैं इस इलाके के अंदर, उनका खात्मा निश्चित ही होगा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली लाइव, जम्मू।